हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीताफल रबड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से हम बनाकर रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और इसी मौसम में हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही बढ़िया ऐसे सीताफल भी आते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं सीताफल रबड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और आगे कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन पर आप इस तरह से ये मीठा कुछ बनाकर अपने घर वालों को घर पर ही बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही तो यहाँ पर मैंने ये गाय का दूध लिया है, फुल फैट गाय का दूध लिया है 2 लीटर। ये दूध हमें अच्छे से रिड्यूस कर लेना है, दूध को पहले हमें अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद हम लो फ्लेम पर ये दूध 40 से 50 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। ये दूध पूरे हाफ क्वांटिटी में करना है हमें, तो कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाते हुए हमें ये दूध जो है वो रिड्यूस करना है। तो जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक हम ये जो सीताफल है इसे हम साफ कर लेंगे, यानी कि इसकी जो घिरी होती है वो निकाल लेनी है। तो 2 लीटर दूध मैंने यहाँ पर लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज के 4 सीताफल लिए है। तो इसे ये सीताफल जो है इसे इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है और हिंदी में इसे शरीफा कहा जाता है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में इसे सीताफल कहते हैं। तो इसे मैं जल्दी से साफ कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो 4 सीताफल लिए थे इसकी ये गिरी निकाल ली है। यहाँ पर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए है, कैजूज लिए है, बादाम लिए है और पिस्ता लिए है और इलायची लिए है मैंने यहाँ पर 6 और केसर के कुछ धागे। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमें अच्छे से कट कर लेने हैं और जो इलायची लिए है इसे कूट कर रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स जो है इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हुआ है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल मुझे ये दूध इस तरह से गाढ़ा होने के लिए 40 से 50 मिनट लगे है। 2 लीटर दूध लिया था मैंने, तो 40 से 50 मिनट में ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये हुआ है। अभी हमें ये और गाढ़ा करना है दूध, तो इसमें हम पहले हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए है वो ऐड कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें उबाल लेंगे। इसी के साथ इसमें हम 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम हमारे टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इलायची जो हमने कूट कर रेडी कर ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इलायची भी कूट कर रेडी कर ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ केसर के धागे मैंने इस तरह से गर्म दूध में ही भिगो कर रख दिए थे, ये भी अच्छे से भीग चुके हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम ये रबड़ी अच्छे से उबाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी ड्राई फ्रूट्स और इलायची डालकर ये रबड़ी जो है मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से पका ली है। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और ये रबड़ी जो है इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह से बहुत ही बढ़िया ऐसी ये लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया और टेस्ट में इतनी बढ़िया लगती है। तो ये रबड़ी जो है इसे मैं अभी ठंडा कर लेती हूँ। सीताफल का जो हमने पल्प निकाल लिया है वो ऐड कर देंगे, तो इसे ठंडा होने के लिए इसी तरह से मैं छोड़ देती हूँ और बीच बीच में इस तरह से चला दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रबड़ी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो रबड़ी अच्छे से ठंडे होने के बाद ही हम इसमें सीताफल का जो हमने पल्प निकाल लिया है वो ऐड कर देंगे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर ये सीताफल का पल्प निकाल लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 लीटर हमने दूध लिया था, तो उसके हिसाब से ये 1 कटोरी मैंने सीताफल का पल्प इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से एक सा करके हमें ये फ्रिज में 1.5 से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद ये सीताफल रबड़ी हमें सर्व करनी है। बहुत ही टेस्टी बढ़िया लच्छेदार ऐसी हमारी ये सीताफल रबड़ी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। तो ये सीताफल रबड़ी जो है मैं फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये रबड़ी जो है वो अच्छे से फ्रिज में मैंने ठंडी कर ली है और बहुत ही बढ़िया ऐसी लच्छेदार हमारी सीताफल रबड़ी बनकर रेडी हो चुकी है।
बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन पर आप इस तरह से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऐसी होममेड मिठाई बनाकर अपने घर वालों को खिला सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।